गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद उमर। यू आर वॉचिंग टू मी यूट्यूब चैनल उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर। हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, ये हो गया था। उसके एक्सरसाइज व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करके आप लोग उसका आंसर भैया पे लिख करके भेज दीजिएगा। टुडे आई डिस्कस चैप्टर नंबर 4 सॉइल। आज हम लोग या हम मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 के बारे में सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, हिंदी मीनिंग इसका है मिट्टी। इसके पहले हम इसके बारे में जानेंगे व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होता है। हाँ, तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं सॉइल। व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर विच कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ द थिन लेयर विच कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है यहां बताया गया? वह पतली परत, लेयर मीन्स होता है परत, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह को ढके हुए हैं उसको हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। द थिन लेयर विच कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पतली परत जो पृथ्वी के ऊपरी सतह को ढके हुए है उसे हम मिट्टी कहते हैं। सॉइल इज द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स विथ वाटर एयर। मिट्टी भी जैसे हवा और पानी मेन नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उसी तरह मिट्टी भी आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। ये भी जीने के लिए मोस्ट एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है, बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं हो सकता है। मिट्टी पर ही घर बनते हैं, मिट्टी में ही जानते हो पेड़ पौधे उगते हैं, तो पेड़ पौधे से हमें भोजन मिलता है, इसी पेड़ पौधे से हवा भी चलती है जो एयर मिलती है, और हवा और ये पेड़ पौधे की सहायता से आपका रेन भी होता है, बरसात भी होता है। तो ये मिट्टी भी जैसे पानी हवा हमें जीने के लिए ज़रूरी होता है, बिना एयर के बिना पानी के हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते, हवा के बिना हम कुछ देर तक नहीं जी पाते, पानी के लिए जी सकते हैं लेकिन हवा बहुत ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन। तो उसी तरह मिट्टी भी हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बताया गया सॉइल क्या होता है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पतली परत होती है आपका मिट्टी कहलाता है। तो अब मिट्टी में क्या मिला होता है, हाउ व्हाट थिंग्स आर मेड टू मिट्टी या सॉइल। तो सॉइल इज मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक. कार्बनिक और अकार्बनिक. कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण कार्बन से हुआ होता है, इसलिए उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं. और कुछ सब्सटेंस होते हैं वो कार्बन से नहीं बने होते हैं, इसलिए इनको हम अकार्बनिक सब्सटेंस कहते हैं. हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपका प्लांट जो हो गया, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका जो निर्माण हुआ होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनका भी निर्माण इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ होता है, कार्बन से हुआ होता है. तो यहाँ पे जैसे प्लांट हो गए, जब वो सूख करके गिर जाता है मिट्टी में ही मिलता है, तो उसमें जो उसका कार्बन होता है वो मिट्टी से मिल जाता है. ह्यूमन या कोई भी जानवर मरता है, ह्यूमन को जला देते हैं, तो उसका राख जो है वो भी कार्बन ही होता है. जो राख है, जानते हो राख, ऐस, वो भी कार्बन ही है, मिट्टी मिल जाता है. जितने भी जानवर मरते हैं वो मिट्टी में फेंक दिया जाता है इधर उधर, जब वो सड़ते हैं तो वो भी कार्बन ही उसके मिल जाता है. तो यह बताया गया जो आपका मिट्टी होता है वो कार्बनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है. इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, आयरन मीन्स लोहा, एल्युमिनियम, फास्फोरस, ऐसे बहुत से जो हैं एलिमेंट वो मिट्टी में मिले होते हैं. इस तरह से आपका मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है, सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. यहाँ तक लिख लिए, तो आगे देखते हैं अब सॉइल कैसे बनते हैं. हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है, मिट्टी आपका कैसे बना. तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ लिखिए पहले, इसका डेफिनेशन तब बता दें. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एक्शन ऑफ सन हीट, विंड, रेन इज कॉल्ड वेदरिंग, विच कॉल्ड वेदरिंग यहाँ बताया गया. वेदरिंग के कारण ही आपका जो मिट्टी बनती है. वेदरिंग चट्टान का टूटना कहलाता है. वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े चट्टान टूटे छोटे पीस में बन जाते हैं, किसके कारण, सूर्य की गर्मी कारण, हवा और बरसात के कारण. इनके वजह से चट्टान टूटते हैं
ये टूटते टूटते आपका क्या बना देते हैं, मिट्टी बना देते हैं। हाँ, इसको बनाने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, मिलियंस साल लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ है, जब उसको उसके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ती है तो वो हीट होता है, हीट होगा तो उसमें हल्का सी दरार पड़ जाती है। जब दरार पड़ेगी इसके बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में उस दरार में जा करके रेन की बूंदें यानी पानी जो है उस दरार में, जैसे मानते ये ऐसे पहाड़ है तो उसमें दरार पड़ गई यहाँ पे हल्का से, तो बरसात होगा तो इसी जा करके जमा हो जाता है पानी। जब पानी जमा हो गया इसे बाहर निकल नहीं पाता, ठंडी के मौसम आएगा, ठंडी के मौसम में क्या होता है ये जमा हो जाता है, फ्रीज होता है पानी। जब फ्रीज होगा तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जब सॉलिड स्टेट में होगा तो ये पत्थरों को यानी जो जगह है उसको और भी जगह लेगा, इसको ढकेलेगा तो और इसमें गैप पड़ जाता है। जब गैप हो जाएगा इस तरह से गैप हो जाता है, धीरे धीरे इसमें गैपिंग लगातार बढ़ती जाती है और लास्ट में चट्टान क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब टूटेगा वो ऊपर से नीचे आते आते बहुत बार चट्टान से टकराता रहता है, जितने बार टकराएगा उतने उसके पीस होंगे, टुकड़े होंगे और लास्ट में धीरे धीरे ये सालों तक ऐसे रगड़ते रहते हैं और लास्ट में आपका मिट्टी बन जाती है। इस तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, सॉयल फॉर्मेशन होता है। पहले बताया गया सॉयल क्या होता है, सॉयल जो होता है थिन लेयर होता है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह को घेरे रहता है। सो द थिन लेयर विच कवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉयल। इसके बाद सॉयल में क्या कंपोज होता है, सॉयल किससे मिलकर बना होता है, सॉयल इज कंपोज ऑफ या सॉयल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इसके बाद थर्ड बताया गया आपका सॉयल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इसमें बताया गया वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, इसमें बताया गया ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एक्शन ऑफ सन हीट विंड एंड रेन इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग में से चट्टान का टूटना, ये यहाँ तक हो गया। तो होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सॉयल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज वेदरिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सॉइल कंपोस्ट ऑफ, व्हाट इज सॉइल कंपोस्ट ऑफ, यानी कि जो बना जिससे कंपोस्ट मीन्स जिससे बना हुआ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से, यहाँ पर लिखना है सॉइल इज कंपोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कंपोस्ट ऑफ। ये आपका तीन क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग लिख करके इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास थर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। थैंक यू।